अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज बाजवान। आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कल हमने बुक नंबर 5 खत्म कर ली थी, आज हम बुक नंबर 6 में स्टार्ट करेंगे। बुक नंबर 5 वॉल्यूम को हम दोबारा गो थ्रू करेंगे। पहले सबसे पहले बुक का हजरत आदम द फर्स्ट वन। मैं आपको बताता हूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, आसमान, सितारे, फल, जमीन, जानवर, इंसान, जानवर, परिंदे, ये सब अल्लाह ताला ने बनाया है। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, जिनको अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने उनके अंदर रूह फूंकी थी जुम्मे वाले दिन। सलाम की पसली से अल्लाह ताला ने बी हवा की बीबी हवा बनाए पैदा की थी। अल्लाह ताला ने उनका पैदा करके जन्नत में भेज दिया था, वो अपनी मर्जी का हर चीज खाएं। शैतान ने उनको राह से भटकाया था। उनको शैतान ने बोला वो वाला फल खा लो जिसे अल्लाह ताला ने हर बंदी को मना किया हुआ था। जैसे अल्लाह ताला ने जैसे फल खाने से मना किया हुआ था, शैतान ने खाया वो वाला फल खा लो। आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बातों में आके और ने वो वाला फल खा लिया। जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया, फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांग ली। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी, फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा जमीन पर भेज दिया। लाने के लिए बहुत सारे नबी भेजे। सबसे आखिरी नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत करते हैं वो जन्नत में जाते हैं, जो हालांकि इबादत नहीं करते वो जहन्नुम में जाते हैं। हालांकि इबादत करनी चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम की बुक में से क्या सीखा और आप मुझे कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टाटा। जज़ाकअल्लाह खैरा।